हाँ ठीक है, दीपक जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बारे में उनसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। सर, कांग्रेस का आंदोलन हुआ है, किस तरह से देखेंगे सर? नहीं, अगर एक निष्पक्ष राय या भारत के नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष के रूप में शायद पहली बार कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया, और यही सकारात्मक भूमिका होती है कि जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को उठाना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि कांग्रेस में जो कहा जा सकता है कि उनका नेता तो एक है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्रदेश स्तर पर वो छिन्न भिन्न दिखती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं को जो संदेश वो देना चाहते थे वो दे नहीं पाए। वैसे तो कोई मुद्दा था नहीं, जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं वो मुद्दे कोई प्रदेश में जनता के बीच स्वीकार भी नहीं है। आज जनता विकास के मॉडल को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस ने सकारात्मक राजनीति की भूमिका की और ये अच्छी पहल है और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, आने वाले दिन किस तरह से रहेंगे, किस तरह से योजना जो जितने भी अभिभाषण हुआ था उसके बाद किस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ेगी, सत्र किस तरह से चलेगा, इस बारे में थोड़ी सी। विधानसभा का ये बजट सत्र है, पूरे साल भर की हमारे आय व्यय की योजनाएँ इसके साथ क्षेत्रीय विकास का आईना इसके माध्यम से होता है, क्योंकि बजट पास करना ही विधानसभा की महज अवतारिता नहीं होती है, उस बजट को विकास से जोड़ने में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी इससे परिलक्षित होती है। और मैं कह सकता हूं कि जो बजट मध्य प्रदेश का आने वाला है, केंद्र का बजट पहले आया और हमारा बजट बाद में आ रहा, तो उस बजट को मिलाकर जो बजट बनेगा वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो आज तेज गति से विकास कर रहा है, विकसित प्रदेशों की श्रेणी में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। आने वाले कल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। देख सकते हैं दीपक जोशी जी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस का जो आंदोलन था वो बिल्कुल मुद्दा विहीन था, उसका लोकतंत्र में हालांकि चूंकि विपक्ष है तो उनका एक अपना कर्तव्य बनता है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो विधानसभा का जो बजट सत्र है वो बेहतरीन होगा और उसमें आने वाले समय में जितनी भी योजना है उसका इंप्लीमेंट भी किया जाएगा और प्रदेश के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।